हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पांच मोस्ट पावरफुल देशों के बारे में बताता हूं जिन पर शायद ही कोई देश कब्जा कर सकता है। ये पांच मोस्ट पावरफुल देश इतने ही शक्तिशाली हैं कि इनके ऊपर कोई भी देश किसी प्रकार का कब्जा नहीं कर सकता है। पर आप आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर पाँच पे है जापान, जिसकी आबादी 12,57,00,000 है। इस देश में समय का बहुत महत्व है और यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा मेहनती माने जाते हैं। तभी तो जापान दुनिया में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पे आता है। क्योंकि हम अगर जापान की जीडीपी की बारे में बात करें तो 5.586 ट्रिलियन डॉलर की है, जो अपनी टोटल जीडीपी का 1% अपनी मिलिट्री फोर्स पर खर्च करती है। क्योंकि जापान की मिलिट्री पर अमेरिका काबू करना चाहता था, लेकिन जापान ने कभी भी हार नहीं मानी। वह हमेशा टेक्नोलॉजी पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता था और इस देश ने अपनी पूरी ताकत टेक्नोलॉजी पे लगा दी। तभी तो आज यह देश में सबसे टेक्नोलॉजी में तीसरे स्थान पर है। आपको बता दें, जापान की सेना मिलिट्री में कई देशों की सेना से बहुत छोटी है, लेकिन पावर में किसी से भी कम नहीं है। जापान के पास 2,47,000 एक्टिव पर्सनल है और 56,000 रिजर्व पर्सनल है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई बड़ी कंट्री से कम आर्मी वाली कंट्री है, लेकिन फिर भी यह पावरफुल कंट्री में अपना नाम रखता है। नंबर चार, इंडिया। पिछले 4 दशकों में इंडिया ने भी अपनी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया है, जिससे भारत में 6.5% की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। वैसे इंडिया भी जनसंख्या के मामले में चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। मतलब इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है प्रेजेंट टाइम में, और इसी वजह से इंडिया दुनिया में मिलिट्री पावर में 4th नंबर पर आता है। इस समय भारत के पास 55,00,000 एक्टिव पर्सनल है, जबकि 12,00,000 रिजर्व पर्सनल है। पिछले कुछ समय से भारत ने अपनी जीडीपी का 3.25 ट्रिलियन में से 2.9% अपनी मिलिट्री फोर्स पर खर्च करती है और हथियार खरीदा है, जिसकी वजह से इंडिया दुनिया में हथियार खरीदने में नंबर 1 पे हो गया है। और आने वाले समय में इंडिया 2050 तक में मोस्ट पावरफुल देशों में सबसे पहले स्थान पर हो जाएगा। नंबर 3, चाइना। अब हम बात करते हैं चाइना के बारे में। हर सुपर पावर की अपनी एक कहानी होती है, वैसे चीन की भी है। चीन की खरीदने की क्षमता अमेरिका से भी ज़्यादा है, जिससे कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश तो है ही, साथ ही आबादी के मामले में चीन दुनिया के सबसे नंबर 1 स्थान पर है। चीन की आबादी 142 करोड़ से भी ज़्यादा है और जीडीपी के मामले में चाइना अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है। चाइना में हर 1700 लोगों में से एक आदमी उद्योग पर बहुत बड़ा उद्योगपति है, इसीलिए चाइना ज़्यादा विदेशी निवेशकों पर ध्यान देता है। चीन की पीपल्स आर्मी सबसे विशाल सेना है। इस समय चीन के पास 22,00,000 सेना है, जिसमें 17,00,000 रिजर्व सेना है। इसलिए चीन आर्मी के मामले में तीसरे नंबर पर रिजर्व करता है। और इसकी जीडीपी के बारे में बात करें तो चीन की जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से कम है। इसकी जीडीपी 29.4 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना अपनी टोटल जीडीपी का 1.7% अपनी सेना आर्मी पर खर्च करती है। नंबर 2, रसिया। ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग रूस मिलिट्री पावर में दुनिया के दूसरे स्थान पर है, यानी अमेरिका के बाद रूस दूसरे नंबर पर आता है। इतना ही नहीं, रूस के पास 6,000 से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रूस के पास है। रूस के पास सबसे आधुनिक हथियार और युद्ध प्रणाली मौजूद है, इसी कारण रूसी मिलिट्री को कोई भी देश हराने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जिसके पास 70,98,246 किलोमीटर का क्षेत्र है और जनसंख्या की बात करें तो 14,54,98,000 है।
और रूस का मिलिट्री बजट चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि रूस अपनी टोटल जीडीपी का 4.7% अपनी आर्मी पर खर्च कर देता है। कि इसकी इकोनॉमी तेल पर भी निर्भर करती है। रूस तेल उत्पादक के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नंबर एक, अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन ये हमेशा से नहीं था। दरअसल अमेरिका और स्पेन में 1889 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका की जीत हुई थी। अमेरिका उस समय से ही हथियार बनाकर दूसरे देश को बेचा करता था, जिसका नतीजा आज आप देख ही रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर में हथियार सप्लाई करने में नंबर एक स्थान पर है। साथ ही ये देश शुरू से ही टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देता था, जिससे कि अमेरिका पर होने वाली घटना का असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। इसीलिए अमेरिका हर एक चीज़ में दुनिया में नंबर वन पर रैंक करता है। इसकी जीडीपी 21.40 ट्रिलियन डॉलर है और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 65.280 डॉलर है। इस वजह से अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों।